नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सजेस्ट चैनल में। आज मैं आपके सामने केंद्रीय महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाएं लेके आया हूँ, उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा और विथ उसके डेट के साथ, ठीक है ना। तो डेट के साथ मैं हर योजना के बारे में बताऊँगा, आप लोग क्या है योजना के अंदर ये जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं NTPC के, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, उसमें 2 से 3 प्रश्न आ ही जा रहे हैं। मतलब कि 2 से 2 प्रश्न तो आ ही रहे हैं, तो फिक्स है। कहीं कहीं तीन तीन प्रश्न भी आ जा रहे हैं योजनाओं पर। इस तरह प्रश्न पूछ रहा है कि तारीख पूछ ले रहा है, और या तो पूछ लेता है इस योजना के अंदर है क्या, मतलब किस विषय से संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ ले रहा है। तो 2 से 3 प्रश्न तो आ रहे हैं, तो इसलिए इसको जरूर देख के जाएं आप लोग। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये फुल वीडियो होगा आपका, पूरी सारी की सारी योजनाएं मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली योजना, मैं आप लोग को यहाँ पर डेट बताता जाऊँगा और इसके बारे में डिस्क्राइब करता जाऊँगा। जो पहली योजना है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। कब की गई शुरुआत? 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से, दोस्तों यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। यूपी बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी, याद कर लीजिए इसको। यूपी बलिया कहाँ से शुरुआत की गई थी? यूपी के बलिया से शुरुआत की गई थी 2016 में, 1 मई 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, इसका उद्देश्य क्या, ये समझेंगे। इसमें क्या किया गया? LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है ग्रामीण, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो LPG कनेक्शन की मुहैया कराया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या, इसका उद्देश्य क्या है, नारा क्या है? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन से जुड़ा हुआ है ये, इसका नारा है। और किससे संबंधित है? तो ये तरह से क्या, LPG कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना देख सकते हैं आप लिखा हुआ यहां पर। इसकी शुरुआत हुई थी, याद करिए दोस्तों, 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसको याद करिए। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आदर्श ग्राम योजना के अंदर है क्या। तो इसके अंदर देखेंगे कि गांव को गोद लेना था और उसको डेवलप करना था, मतलब उसका विकास करना था। तो इसमें सबसे पहला जो गांव लिया गया था इस योजना के तहत, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जयापुर, तो यहाँ पर जयापुर नामक गांव को गोद लिया था वाराणसी से। तो इस योजना के अंतर्गत ही लिया था आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें ग्राम प्रत्येक सांसद को हर साल का एक गांव गोद लेना था और उसका विकास करना था, इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब आइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको बस एक बार रीड कर लेंगे, बस सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। बस आप लोग को याद क्या करना है, यहाँ पर तारीख जरूर याद कर लीजिए, अगर जो योजना मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो मुद्रा योजना क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। तो मुद्रा योजना के लिए क्या है? स्वरोजगार के लिए, छोटे उद्यमों के लिए ये क्या करेगा, एक लोन मुहैया कराएगा लोगों को। तो लोगों को लोन मुहैया कराएगा, उसके अंतर्गत 3 कैटेगरियाँ डिवाइड की गई हैं। शिशु लोन है, किशोर लोन है और तरुण लोन है। जो शिशु लोन है वो 50,000 रुपये तक का है। फिर उसके बाद किशोर लोन है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का है, और जो तरुण लोन है वो 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक मुहैया कराया जाएगा। और न्यूनतम ब्याज दर जो है 12% की होगी इस पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आए डिजिटल इंडिया योजना। अब डिजिटल इंडिया से समझ सकते हैं, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत, ये भी 2015 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया योजना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो नेटवर्किंग से संबंधित है इसका उद्देश्य ये है। इसका इसमें उद्देश्य क्या है कि ब्रॉडबैंड हाईवे और मोबाइल कनेक्टिविटी को मुहैया कराना है। क्या करना है? ब्रॉडबैंड हाईवे और मोबाइल कनेक्टिविटी को मुहैया कराना है, इसका ये एकमात्र उद्देश्य है। कह सकते हैं कि ई क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी यह योजना, डिजिटल इंडिया योजना, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं डिजिटल रूप से साक्षर करना है लोगों को, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट योजना क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पर देखेंगे,
सॉरी सांसद आदर्श ग्राम योजना आपका हो गया यहाँ पर डिजिटल इंडिया के बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को ये आई थी। तारीख जरूर याद कर लीजिए, कम से कम एटलीस्ट सन तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि सन पे परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं कौन सी योजना किस सन में आई थी, तो सन जरूर याद रखिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें इसका नारा क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता के नाम से इसकी योजना को, मतलब कि इसका नारा था। और इसमें क्या, एक तरह के ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इसके अंदर क्या किया गया है, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते खोले गए हैं इसके अंतर्गत, तो इसीलिए इसको जनधन योजना नाम रखा गया है, जनधन, जिससे क्या हो सके लोगों के पास एक खाता हो जिसमें वो पैसा अपना सुरक्षित रखें और जिससे उस पर जो ब्याज मिले उसका फ़ायदा लाभ उठा सकें। और इस योजना इतनी ज़्यादा मात्रा इसमें खाते खुले हैं तो इसलिए इस योजना को क्या मिला है, इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। तो ये परीक्षा में अभी देखिए हाल ही में पूछा भी गया है इस परीक्षा में रेलवे में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में मतलब कौन सी ऐसी योजना है जिसे अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो वह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर आइए स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्या है इसको याद करेंगे, इसकी स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर इसका नारा है। और इसमें क्या किया गया है, मतलब स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और खुले में शौच मुक्त भारत का उद्देश्य लेके इसमें कार्य की इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। ठीक है, ये योजना दो फेज़ में कंप्लीट होनी है, एक थी अक्टूबर 2019 तक और दूसरी जो फेज़ है वो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलनी है ये योजना। ठीक है, तो स्वच्छ भारत जो अभियान है इसके दो फेज़ हैं। ठीक है, अब आइए मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में याद कर लीजिए इसको, 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया की। और इसका उद्देश्य तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मतलब कि घरेलू वस्तुओं का निर्माण करना है, मतलब कि भारत के अंदर वस्तुओं का निर्माण किया जाए। ठीक है ना, और क्या किया जाए कि विदेशों को लोगों को आमंत्रित किया जाए कि वो यहाँ पर आएँ अपनी चीज़ों को बनाएं। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें इसमें की गई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये योजना लाई गई थी। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे, मतलब कि भारत के अंदर ही वस्तुओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो मेक इन इंडिया जैसा कि नाम है, तारीख याद करिएगा। अब आइए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, 9 मई 2015 में, डेट याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना की लाई कहाँ पर गई थी, कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी, कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई थी अटल पेंशन योजना की। इसमें क्या किया गया है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा लाएगा, मतलब तहत बीमा कराया जाएगा इस अटल पेंशन योजना के तहत, जिससे उन्हें पेंशन मिल सके जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उम्र जो है 18 से 40 वर्ष तक इसमें निवेश करेंगे लोग, मतलब बीमा जब लेंगे तो उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उनको आफ्टर 60 उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, मतलब 60 साल कंप्लीट होने के बाद उनको ये मतलब पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 18 से 40 वर्ष तक उनको निवेश करना होगा ये बीमा, इस बीमा के अंदर, अटल पेंशन योजना के अंदर। ठीक है ना, कह सकते हैं एक तरह की ये मासिक पेंशन योजना एक तरह से कह सकते हैं इसको है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लाया गया था और इसकी शुरुआत पानीपत के हरियाणा से की गई थी दोस्तों। पानीपत के हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें इसका उद्देश्य सिंपल से बता सकते हैं आप लोग आसानी से, लैंगिक असमानता को दूर करना है इसका उद्देश्य और लिंगा अनुपात को ऊपर उठाना है। ठीक है ना, और जिस समय योजना शुरुआत की गई थी उस समय इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी। ठीक है ना, याद करिएगा। और इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से संयुक्त पहल से इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब कई मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है ना, उसके बाद आइए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई, 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, और मंत्रालय कौन सा है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय, मतलब विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। इसमें क्या करना है कि 2020 तक क्या करना है, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है, मतलब तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना है, जिससे वो क्या कर सके, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई उद्यम शुरू कर सके, एंटरप्रेन्योर हो सकें। ठीक है ना, तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आए स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 की गई थी दोस्तों, कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है, 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें क्या किया गया है कि देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जो लोन मिलेगा लोगों को, युवाओं को, वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लोन देने की बात इसमें कही गई है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसमें शामिल कौन कौन से लोगे, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें SC ST OBC और महिलाओं को भी शामिल किया गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है किसको शामिल नहीं किया गया है, या किसको शामिल किया गया है, या किस किस को शामिल किया गया है, ये चीज़ आ सकता है। तो SC ST OBC और महिलाओं को भी शामिल किया गया स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। अब आइए सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत भी पानीपत के हरियाणा से की गई है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। तो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई पानीपत हरियाणा से। इसमें क्या किया गया है, लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है, सुकन्या समृद्धि योजना। और एक तरह से कह सकते हैं ये एक तरह से राष्ट्रीय लघु बचत योजना है, ठीक है ना, और केंद्र की योजना है। तो इसमें इसको जो लॉन्च किया गया, इसको जोड़ सकते हैं हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की योजना के अंतर्गत इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो यह देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है। 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई दोस्तों, कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इस योजना की जो अवधि होगी वो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की होगी, मतलब जो बीमा की जो मैच्योरिटी होगी वो 18 से 50 वर्ष तक की होगी, और सालाना जो प्रीमियम होगा उसका 330 रुपये होगा, ठीक है ना। तो एक तरह से बीमा कवर करता है ये, एक तरह से इसमें या देखेगा एक तरह की बीमा योजना है, जीवन बीमा योजना की तरह काम करेगा, जैसे LIC काम करती है वैसे ये भी काम करता है, लेकिन इसका नाम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है। फिर आइए नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को की गई थी दोस्तों। और इसके अंदर हुआ, इसमें अंदर किया क्या गया है, इसको याद देखेंगे। इसमें भी एक तरह की ये योजना क्या है, जीवन बीमा ही है, मगर ये वृद्धों के लिए लाया गया। किसके लाया गया दोस्तों, वृद्धों के लिए, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन होंगे या 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, मतलब कि इस योजना के अंदर 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए योजना है, तो इसीलिए नाम है वय वंदना योजना, मतलब वृद्धों के लिए है, एक तरह से कह सकते हैं। फिर आइए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अच्छे से पढ़ें इसको, 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना लाई गई थी। और इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों,
कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसमें इसमें महिलाओं को कितना रुपये दिया जाएगा, 6,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और इसी के अंदर, इसी योजना के अंदर जननी सुरक्षा योजना को भी शामिल किया गया है, जिसमें 1,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना है। तो इसमें इस योजना के अंतर्गत जो होगा 5,000 रुपये किस्तों में दिए जाएंगे और बाद में 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु होगी वो 19 वर्ष होगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट योजना आते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का एक जो शॉर्ट नेम है वो है सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना के नाम से आएगा, तो सौभाग्य योजना जो है वो बिजली से संबंधित है। हर घर योजना की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रत्येक घर में बिजली मुफ्त मुहैया कराए जाने की बात इसके अंदर की गई है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, सौभाग्य योजना के अंतर्गत। मतलब मुफ्त बिजली कनेक्शन है, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। फिर आइए नेक्स्ट योजना, आइए नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना आप लोग बहुत सुनते होंगे, इसकी शुरुआत की गई थी 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत की गई। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री जो सहज बिजली हर घर योजना, जो सौभाग्य योजना है, इसमें जो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन मुहैया कराएगा, इसकी डेट याद कर लीजिए, इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2017 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आइए नमामि गंगे योजना, 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी नमामि गंगे योजना की। और इसका नाम से आप जान जाएंगे इसको क्या करने के लिए लाया गया है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। तो गंगा नदी के प्रदूषण समाप्त करने के लिए या नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना को लाया गया, नमामि गंगे योजना को, जिसकी शुरुआत 2014 यानी 10 जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर आइए नेक्स्ट योजना, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है ना। इसके अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग जो रह रहे हैं उनको स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराई जाएगी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब किसी भी इलाज, किसी तरह के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होगा उसको, मतलब 5 लाख रुपए तक का। और इसके अंदर लगभग 1300 बीमारियां कवर की जाएंगी, ठीक है। वो सब बहुत वैसे साइड की चीज़ें हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आइए अमृत योजना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, जो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत 2018 25 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, ठीक है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ शुरू की गई थी, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। अमृत योजना आता है जिसे नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों, बुनियादी सुविधाएं इस अमृत योजना के अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसकी शुरुआत कब की गई है, 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी अमृत योजना की। बुनियादी सुविधाएं का मतलब ये है कि जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क वगैरह प्रदान किया जाएगा। मतलब शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अमृत योजना को लाया गया है, ठीक है ना। अब आइए प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों, 25 जून 2015 को, 24 जून 2015 को अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लाई गई। इसके अंदर दोस्तों क्या किया जा रहा है, प्रत्येक इसके अंदर कहा गया है कि हर व्यक्ति के पास एक आवास होगा, सबके लिए एक आवास मुहैया कराया जाएगा इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 2 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। और कब तक बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक। तो 2022 तक क्या किया गया दोस्तों कि 2 करोड़ नए आवास विकसित करने हैं, मतलब कि
हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास की बात इस योजना के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, फिर इसके आगे की हम योजना बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे योजना देखते हैं। फिर नेक्स्ट योजना है हमारे पास, और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट योजना है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक तरह की फसल बीमा योजना है जो किसानों को मुहैया कराया जाता है, यानी यदि उनकी फसल किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य कारण, तो उन्हें ये फसल बीमा दिया जाएगा। उसके लिए न्यूनतम बीमा दरें तय की गई हैं। पहले तो ये जान लें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश जिला सीहोर से हुआ और 2016 यानी 13 जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों कब की गई? 13 जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई। याद रखिएगा तारीख और जगह कौन सी, जहां जगह बता रहा हूं, स्थान बता रहा हूं, वो याद रखिएगा। फसल बीमा योजना है, उसके लिए प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो इसमें जो है सभी फसलें जो खरीफ की होंगी और तिलहनी फसलें जो होंगी उनके लिए कुछ दरें निर्धारित की गई हैं। खरीफ फसलों के लिए 2% की दर से प्रीमियम जमा होगा और तिलहनी फसलों के लिए 1.5% की दर से। वहीं रबी फसलों और तिलहनी फसलों के साथ साथ जो व्यावसायिक फसलें होंगी, ठीक है, जैसे कि फल और सब्जियों की बात करें, तो उन पर 50% वार्षिक प्रीमियम बीमा दिया जाएगा, मतलब इतना जमा करना होगा। ठीक है, 33% या इससे अधिक फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। पहले जो होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जो होता था, जो पुरानी योजना थी जिसका स्थान इस योजना ने लिया है, उसका नाम जान लीजिए आप लोग, संशोधित फसल बीमा योजना थी, जो कि 2010 की थी दोस्तों, 2010 की थी। उसकी जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने लिया है। ठीक है, और पुरानी योजना जो 2010 की योजना थी, यानी संशोधित फसल बीमा योजना जो थी, उसके अंदर 50% से जब अधिक फसल नष्ट हो जाती थी और सिर्फ बेमौसम बरसात और प्राकृतिक आपदा के कारण जब फसल नष्ट होती थी तो ही उन्हें मुआवजा दिया जाता था, लेकिन इस योजना के तहत उन्हें 33% या उससे अधिक नष्ट होने पर मुआवजा मिल जाएगा। दूसरा, किसी भी प्रकार की आपदा के कारण यदि किसानों की फसल नष्ट होती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट योजना पे, राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसका शॉर्ट नाम हृदय है। हृदय शब्द जो बनाया गया, हृदय जो शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, जब इंग्लिश का हम लोग इसका वर्जन करेंगे तो वहाँ से हृदय निकाला गया है, है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका पूरा नाम है, उसी से हृदय बना है, यानी विरासत शहर विकास और विस्तार योजना है। इसको 12 शहर शामिल किए गए थे, इसमें 12 शहर शामिल किए गए थे पहली, मतलब पहले चरण में। ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा रहा है। और इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी दोस्तों 21 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 21 जनवरी 2015 में। तो एटलीस्ट सन तो याद ही रखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योजना का क्या नाम है। नेक्स्ट योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 में हुई दोस्तों। 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, और इसकी शुरुआत राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से हुई। तो राजस्थान से हुई इसकी शुरुआत मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर ने फिर आइए, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, जैसा कि आप योजना है वैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसी योजना होगी। इसमें देश भर के कृषि क्षेत्रों में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनकी सेहत, उसके अंदर किन किन प्रकार के पोषक तत्व हैं और कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो कि फसलों के लिए अच्छी होंगी, उसका निर्धारण किया जाएगा। उसके लिए एक कार्ड जारी किया जाएगा किसानों को, जिससे वो अपनी मृदा की जाँच करा के वो कार्ड प्राप्त करेंगे और उनको बताया जाएगा कि वो किन किन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, किस प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करें जिससे उनकी ज़मीन उर्वरक हो सके। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये है कृषि फार्मिंग से संबंधित है, मतलब फार्मिंग से संबंधित है। फिनिश है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 में हुई थी। 16 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई। ध्यान से इस बात को सुन, ध्यान से इसी तारीख जरूर दिमाग के अंदर रखें, ठीक है। इसकी इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लें आप लोग। श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता लाकर देश के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, देश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना, मतलब है श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में इस योजना को लाया गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई। 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है। 100 शहरों को शामिल किया गया है इसके अंदर, 2500 शहरों को शामिल किया गया है जिसको स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करना है। पहला शहर जो चुना गया वो था, उसका नाम बुद्धेश्वर था, टॉप लिस्ट में जो था। और जो सवा शहर है, मतलब सवे नंबर पे जो शहर रहा वो शिलांग यानी मेघालय का शिलांग शहर रहा है। याद रखेंगे बहुत अच्छे से, इसको 100 शहरों को शामिल किया गया है इसके अंदर। तो कितने शहरों को दोस्तों शामिल किया गया है? 100 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर आइए स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत देखेंगे दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन है इसकी शुरुआत की गई 15 जुलाई 2015 में। स्किल इंडिया मिशन जैसे नाम है, स्किल मतलब कि कौशल का विकास करना, और कौशल का विकास कहाँ करना है? युवाओं के अंदर। तो युवाओं में कौशल का विकास करके, तकनीकी क्षेत्रों में कौशल का विकास करके उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराना इस योजना का, इस मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। याद रखेंगे मतलब कि 2022 तक इसमें 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी शुरुआत 8 मई 2015 में की गई। तारीख दोस्तों याद जरूर करते चलेंगे। प्रधानमंत्री, ज़्यादा योजना है मुझे पता है, आसान नहीं है, लेकिन एक दिन में याद भी नहीं होगा आप लोगों को, तो इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट आएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015। इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई है, ठीक है। ये एक प्रकार का देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी साधारण दुर्घटना से दुर्घटना बीमा, ऐसा कहते साधारण दुर्घटना बीमा है तरह की है। इसके अंदर जो दुर्घटना से लोगों की मृत्यु होती है उनको 2 लाख रुपए और जो आंशिक रूप से जो विकलांग होंगे उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष पर जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है। तो इसकी शुरुआत कब की, प्रत्येक देख लें, 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी मिशन इंद्रधनुष की। और मिशन इंद्रधनुष जैसा नाम लगेगा तो कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन मिशन इंद्रधनुष जो है एक तरह का टीकाकरण योजना है, मतलब बच्चों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योजना लाई गई है, यानी टीकाकरण वैक्सीनेशन की एक योजना है, ठीक है। मतलब इसे माना गया, उद्देश्य बनाया गया है कि 2020 तक देश के सभी बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 7 प्रकार के टीके लगाने की बात की गई है इसके अंदर। 7 प्रकार के टीके मतलब 7 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग कह सकते हैं, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है। इसमें आप लोग मिशन इंद्रधनुष के अंदर हैं चीज़ें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आएंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई 2013 में दोस्तों। कब शुरुआत की गई? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके अंदर बाजार कीमत से
कम कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से लक्षित वर्ग को चावल, गेहूं और मोटा अनाज देने की योजना बनाई गई है। ध्यान रखेंगे, चावल, गेहूं और मोटा अनाज इसमें लोगों को दिया जाना था, बाजार की कीमतों से कम कीमत पर देना है इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, इतना तो कम से कम याद रखें क्योंकि एनटीपीसी में ये इतना ही इसी लेवल का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो 2013 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आई आ रही है। ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में आपके। अब आइए अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय योजना है ये है 2000 की दोस्तों। तो 2000 में ये योजना आई थी, इसमें भी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको गेहूं और चावल दिया जाएगा। ठीक है, वो 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी, मतलब 2 रुपये प्रति केजी गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी चावल देने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, पहले जो था शुरुआत में, जब इस योजना की शुरुआत की गई तो शुरुआती दौर में 25 किलोग्राम प्रति परिवार को, मतलब प्रति परिवार को प्रति माह ये योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद यानी 2002 में, 2000 में शुरुआती किया गया और 2002 में ये 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया। अब आएंगे नेक्स्ट योजना, भारतमाला योजना। भारतमाला योजना की शुरुआत 2017 में हुई दोस्तों। भारतमाला योजना की शुरुआत 2017 में, 24 अक्टूबर 2017 याद रखिएगा सन, जिस जैसा कि नाम है भारतमाला, मतलब कि माला की तरह, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास कार्यक्रम एक तरह का ये, मतलब रोड वगैरह या राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, इतना आप लोग को याद रखना है, कभी लाया गया था कार्यक्रम। उड़ान योजना आते हैं, इस उड़ान योजना का जो टैग लाइन थी वो है उड़े देश का आम नागरिक, और इसकी शुरुआत 2016 में की गई। तो उड़ान योजना 2016 में किया गया, ये इसलिए लाया गया, ये खासकर यात्रियों के लिए जो विमान यात्राएं करते हैं उनके लिए ये लाई गई, ये आदमी आम आदमियों के लिए थी। इसमें जो टिकट जो था वो अगर 1 घंटे तक का है और या हेलीकॉप्टर से 30 मिनट तक का है उड़ान अगर कर रहा है व्यक्ति, तो उसको अधिकतम 2500 यानी 2500 रुपये देने की आवश्यकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये उड़ान योजना यानी उड़े देश का हर नागरिक इससे संबंधित है, आम नागरिक की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन है ये। इसमें क्या किया, इसकी शुरुआत कब कब की गई, तो 21 फरवरी 2016 में, 21 फरवरी 2016 में इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन को लाया गया। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई थी, याद रखेंगे। इसके अंदर क्या किया गया, एक ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, उसका विकास किया जाएगा, मतलब एक क्षेत्र का क्लस्टर, मतलब कई ग्रुप में कई गांव लिए जाएंगे और फिर उनका विकास किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 68.84% ग्रामीण जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 में किया गया दोस्तों। 15 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत की, और मानधन योजना है दोस्तों, तो तारीख याद रखिएगा। हालांकि यह अंतरिम बजट में 19 के लाया गया था, लेकिन शुरुआत किया गया 15 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मानधन योजना है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें किया क्या गया, उद्देश्य याद रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा उद्देश्य भी ध्यान रखें क्योंकि परीक्षा में उद्देश्य को जोड़ के फिर योजना पूछ ले रहे हैं। तो इसमें असंगठित क्षेत्रों की बात, कामगारों की बात की गई है। तो असंगठित क्षेत्रों कामगार यानी जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, रिक्शा चालक हो गया, मोची हो गया, दर्जी हो गया, मजदूर हो गया, घरों में काम करने वाले लोग हो गए, भट्टे पर काम करने, ईंटा भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं, उनको जिनकी मासिक आय कह सकते हैं कि 15,000 रुपये है या उससे कम है, ठीक है, वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसमें क्या किया गया है कि जो लाभार्थी होंगे इस योजना में, जो रजिस्टर्ड होंगे, वो
18 से 40 वर्ष तक जो रजिस्टर हो जाएंगे, मतलब जिनकी उम्र मिनिमम 18 या 40 के बीच में मैक्सिमम 40 तक है, वो जब इस योजना में रजिस्टर हो जाएंगे तो उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपये महीने हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रीमियर जो जमा करना है, जो 18 साल की आयु का व्यक्ति है या जो 40 साल का आयु का व्यक्ति, उससे ऊपर नहीं, मतलब 18 और 40 के बीच में, उसको हर महीने 55 रुपये जमा करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई, 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं ये जो बजट आया था उसी में इसको, उसी समय से इसको माना गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2019 में आया था, ये याद रखिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि कब की है, तो 2019 की है। ये सम्मान निधि किसके लिए लाई गई है, तो ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाई गई है। इसके अंदर जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम खेती है उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके उनको दिए जाने हैं, ठीक है। 2-2 हज़ार करके 3 बार, यानी कि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, ठीक है, जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जान लेना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि जो 2 हेक्टेयर कम की बात की गई है, इसमें संशोधन किया गया है अभी हाल ही में, और इस सीमा को हटा दिया गया है। अब हर प्रकार के किसान, या जिनके पास हर प्रकार की जोतें हैं, वो हर प्रकार के किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। अब आइए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 में की गई। इसमें क्या किया गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंदर जो उम्र है वो 18 से 40 ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंदर, ठीक है ना। तो इसको यहाँ देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जो सीमांत किसान थे यहाँ पर भी प्रधानमंत्री योगी मानधन प्रधानमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो मैंने आप लोग को बताया वो है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी इसी प्रकार की योजना है कि जो किसान होंगे दोस्तों, उनको 60 साल के बाद, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर, थोड़ा दोनों को डिफरेंस, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है दोनों को, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना है ये किसानों से जुड़ा जरूर है, ठीक है ना। और 2 हेक्टेयर या सीमांत किसानों की बात मैंने कही, लेकिन सीमा हटा दी गई, ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आ जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये भी किसानों से ही जुड़ा हुआ है। अब दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा तो डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। ये सम्मान निधि योजना है और ये मानधन योजना है, थोड़ा सा इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें क्या किया गया है, जो मानधन योजना है इसमें किसानों को 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी। और इसमें आवेदन जो करना है, जो उम्र होगी 18 से 40 के बीच वाले होंगे, और इसमें वही फायदा उठा पाएगा जिनकी पास 2 हेक्टेयर से कम खेती है, ठीक है ना, उन्हीं के लिए ये योजना है, ठीक है। तो ये प्रीमियम है 55 रुपये और 200 रुपये रखा गया है इसके अंदर, जो लिमिट रखी गई है, ठीक है ना, ये जिया देखेंगे, ठीक है। ये सब योजनाएं क्यों आ रही है ये भी ध्यान देंगे यहाँ पर, कि जो पीएम किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ये जो है 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया किसानों की आयु को दुगना करने का, उसी के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। जो अटल भूजल योजना है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 में की गई। 25 दिसंबर 2019 में दोस्तों अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। वो भी कब, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95वीं जयंती पर योजना लाई गई है। और जैसा कि नाम है अटल भूजल योजना, तो मतलब जो भूमि के अंदर जो जल है उसका प्रबंधन करना है और पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, इसका एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई 1 जून 2019
2020 में, मतलब बहुत हाल ही में ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जान लीजिए दोस्तों कि जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के जो छोटी राशि का इसमें क्या के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार यानी जो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी जो आप लोग देखते होंगे रोडों के किनारे, सड़क के किनारे किनारे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं ठेले वगैरह पे, उनके लिए योजना लाई गई है। इसमें क्या किया गया है कि किसान जो जो दुकानदार हैं, जो छोटे किस्म दुकानदार हैं, उनको कर्ज मुहैया कराया जाएगा, वो भी 10,000 रुपये कर्ज मुहैया कराया जाएगा विदाउट गारंटी के, ठीक है ना। हालांकि ये चुकाना भी होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आसानी से रेहड़ी पटरी वालों को यानी सड़क के किनारे जो दुकानदार हैं, उनको यदि अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपनी दुकान चलानी है, अच्छे से चलानी है, तो वो चाहें तो 10,000 रुपया लोन ले सकते हैं विदाउट एनी गारंटी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु योजना, अप्रैल, इसकी शुरुआत की गई अप्रैल 2020 में दोस्तों। 2020 में आरोग्य सेतु योजना है, ये आरोग्य सेतु कार्यक्रम लाया गया। ये आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस मतलब ये है, ये कोरोना वायरस में एक तरह के ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर ट्रैक किया जाएगा जो संक्रमणशील व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हो चुका है, उनको ट्रैक करेगा, और इसमें GPS सिस्टम, मोबाइल के GPS सिस्टम और ब्लूटूथ का प्रयोग होगा कि किसको है। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति संक्रमित नहीं भी है उसके पास सूचना चली जाएगी कि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से संपर्क में ज़्यादा ना रहें या उनसे दूर रहें, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को संक्रमण हो चुका है या संक्रमण हुआ था अभी हाल फिलहाल में या अभी है। इस तरह की चीज़ें, जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी लोगों के साथ। इसके अंदर आरोग्य सेतु के अंदर मतलब COVID-19 से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2020 में की गई दोस्तों। 12 नवंबर 2020 में, मतलब ये भी हाल ही में आई योजना है, 2020 में की गई है आत्मनिर्भर। ये जो योजना लाई गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा लाई गई योजना है। इसमें क्या किया गया है, COVID-19 के दौरान जो रोजगार में जो कमी आई है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। लोगों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो कर्मचारी हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, जो भी अक्टूबर और जून 21 के बीच में जो लोग शामिल होंगे केंद्र सरकार में, ठीक है, मतलब कर्मचारी के रूप में, उनको उनके लिए ये सुविधाएं लाई गई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है ना। इस तरह से ऑपरेशन ग्रीन योजना आते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है दोस्तों वो 2018-19 के बजट में लाया गया था, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2018 की ये योजना है, ऑपरेशन ग्रीन योजना है। इसके अंदर जैसा कि नाम है, ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसको लाया गया है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसके अंदर जब ग्रीन लिखा तो आपको पता चलेगा कि कुछ हरी सब्जियों से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से चीज़ों का, लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जियों से ही जुड़ा है लेकिन हरी सब्जियों से ऐसा नहीं है। इसमें टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने के उपायों में निर्णय लिया जाएगा इस योजना के अंदर, ठीक है। कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कभी टमाटर के दाम अचानक से इंक्रीज कर जा रहे हैं, प्याज के दाम अचानक से इंक्रीज कर रहे हैं, आलू के दाम अचानक से इंक्रीज कर जा रहे हैं, उसको स्थिर रखना है इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 20 जून 2020 में की गई दोस्तों। ये भी हाल फिलहाल में योजना आई है, 20 जून 2020 में किया गया है। तो इसमें क्या किया, अब देखिए जैसा कि नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, तो लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर लौटे उनको रोजगार मुहैया कराना इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है। मतलब जो घर लौटे जो श्रमिक थे, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि लॉकडाउन जब हुआ तो भारी मात्रा में जो श्रमिक है वो वापस घर अपने लौट रहे थे और बेरोजगार काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे थे, क्योंकि वो अपना अपना रोजगार अन्य प्रदेशों से छोड़ के आ रहे थे। उनके लिए योजना लाई गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया एक तरह से, ठीक है ना, कि उनको उन्हीं की जगह पे जहां वो लौट उन्हीं की जगह पे जाएं जहां पर वो उनका घर है, तो वहीं पर उनको आसानी से रोजगार मुहैया करा सके, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी योजनाएँ थी, ये इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी जो कि NTPC के एग्ज़ाम में यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है और 2 से 3 प्रश्न पूछ ही लिए जा रहे हैं हर फेज़ में। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, उसको नोट कर लें,
याद कर लें, इसे मैंने बोल बोल के चीज़ों को बताया है जिससे कि आप लोग सुने तो आपको याद हो जाए, ठीक है। सुनने से चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। और चूंकि डेट है तो डेट पे भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो उद्देश्य हैं उस योजना से उससे भी प्रश्न आ रहे हैं, तो डेट भी याद करें, उद्देश्य मैंने बोला है उसको सुने, उसको चाहे तो नोट कर लें, ठीक है, तो शॉर्ट में नोट कर लें, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, परीक्षा में आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।